भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया ने रामपुर कारखाना क्षेत्र के कौला मुंडेरा में जनता से मांगा आशीर्वाद। भाजपा प्रत्याशी रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि भाजपा आलाकमान ने मुझे जैसे जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। चुनाव जीतने के बाद मैं हर हाल में जनता के विश्वास पर खरा उतर क्षेत्र का चौमुखी विकास करूंगा, साथ ही जो अधूरी व टूटी फूटी सड़कें रह गई हैं उसको हर हाल में सुधार किया जाएगा। सुरेंद्र चौरसिया, भाजपा प्रत्याशी, रामपुर कारखाना देवरिया। भारतीय जनता पार्टी सीट से आप जो है रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? विकास हमारी पार्टी और हमारा दोनों का मुख्य मुद्दा है। यहाँ के लोगों का मान सम्मान, यहाँ के लोगों की सुरक्षा और जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उसको आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, यही हमारा और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आपके पहले भी विधायक रहे हैं भाजपा से कमलेश शुक्ला जी ने, तमाम विकास कार्य ऐसे अछूते जो रह गए, क्या रह गए जो आप उसको पूरा करेंगे? देखिए, जब भी कोई जनप्रतिनिधि अपने पद पर रहता है तो कुछ काम अधूरे रह भी जाते हैं और कुछ पूरे होते हैं। जो भी उनके द्वारा कार्य कराए गए हैं, जो अधूरे रहे, जो छूटे हुए कार्य हैं उसे हम लोग पूरा करेंगे। दल बदलुओं के प्रति आपकी क्या मतलब प्रतिक्रिया होगी, क्या कहेंगे इस पे? मैं तो 24 कैरेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। जब से केसरिया मैंने अपने गले में लगाया तब से कभी उतारा नहीं। बाकी जो लोग टिकट के लालच में केवल दलों में आते हैं और जाते हैं, उनका काम है कि जब चुनाव में टिकट मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो दूसरे दलों में चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों पर न जनता विश्वास करती है और न पार्टियाँ विश्वास करती हैं। इनका आना जाना काम है, ये आते जाते रहेंगे। भाजपा ने वहाँ पे विश्वास जता के टिकट दिया है और सबसे कम उम्र के जो आप नेता हैं, किस तरीके से आप इस विश्वास कायम रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जिसमें आज भी लोकतंत्र जिंदा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांव, गरीब और अंतिम व्यक्ति के बारे में भी सोचती है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में केवल अकेले मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट मिला है जो एकदम निचले पैदान पे काम करके यहाँ तक की यात्रा तय किया है। और आने वाले समय में पार्टी ने जो निष्ठा, जो विश्वास मेरे पर जताया है, मैं अपने क्षेत्र की महान जनता को आज के दिन कोटसर नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र की लोगों के सम्मान, लोगों के स्वाभिमान के साथ कभी कोई समझौता नहीं होने दूंगा। जहाँ भी सुरेंद्र चौरसिया की जरूरत पड़ेगी, सुरेंद्र चौरसिया हर कदम लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। लड़ाई किससे है, किससे? इस विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग 60% से अधिक वोट पाकर यह सीट जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता आपको आशीर्वाद देती है तो ऐसे कौन सी तीन प्रमुख समस्या है जिसको सबसे पहले आप दूर करने की कोशिश करेंगे? जनता ने आशीर्वाद दे दिया है और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद सबसे मेरा पहला काम होगा इस विधानसभा की जो टूटी हुई सड़कें हैं उसे हम ठीक कराएंगे, क्योंकि जिन सड़कों से हम चलते हैं, मैं यहाँ का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ की गांव गलियों से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ और रोज इन्हीं सड़कों से मैं भी चलता हूँ और कितनी परेशानियाँ होती है ये मैं जानता हूँ। तो ये पहला मेरा मुद्दा होगा। और दूसरा, यहाँ के लोगों का जो कहीं से भी कोई सम्मान में समझौता नहीं आने देंगे। और भी जो भी क्षेत्र की मुद्दे आएंगे, जो लोगों को जिससे सुलभता मिल सके, वो सब कार्य हम लोग करेंगे। आप जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं इसमें चीनी मिल भी आती है जो बंद पड़ी है, बड़ी भटनी की, इसके लिए आप क्या करेंगे? हमारी सरकार का एक विजन है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुना करने से लेकर और गांव गरीब के बारे में सोच रही है। आप देखेंगे कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश की अधिकतम चीनी मिलें बेच दी गई, हमारा जनपद भी चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस प्रदेश में काफी मिलें नई लगाई गई। आने वाले समय में ये नहीं कहूंगा कि भटनी चीनी मिल चालू हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्थिति चालू की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग